Good morning, students. Welcome back. Today I am here with the most common important topic from your general English, that is verbs. So here we are going to start from the verbs. What do you mean by verbs, students? We must go through the verbs, the definition of verbs. As we all know about the verbs, that is verbs are the action words. These are called doing verbs. मतलब किसी काम को जब हम करने के लिए लगाते हैं, कोई काम किया जा रहा है, that is verbs. वो क्रिया जो है, काम को करने की क्रिया को हम verb कहते हैं. तो what do you mean the verb? In a very simple or frequent language, we should use the verb. What is a verb? What is a verb form? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने वर्ब पढ़ा है वो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, तो यार वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स जो है हमारे डूइंग वर्ब्स, और वी कैन से एक्शन वर्ब्स. या तो हम उन्हें एक्शन वर्ड्स कह सकते हैं, यहाँ पे डूइंग वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स वो जो मैं एक्ट करके आपको बता रही हूँ. आप मुझे यहाँ खड़े होने से देख सकते हो कि मैं खड़ी हूँ, बैठी हूँ, बोल रही हूँ, आपको देख रही हूँ. तो ये सब मैं क्या कर रही हूँ? बोलना, देखना, खड़े होना, पढ़ाना, ये क्या कर रही हूँ? ये मैं एक्शन कर रही हूँ. और मैं कर क्या रही हूँ? दैट इज ऑल्सो नोन एज डूइंग वर्ड्स. तो दीज आर इंक्लूडेड इन योर वर्ब. सो दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. What is a verb form? Now there are different types of forms. इसके बहुत सारे kinds हैं, बहुत से types हैं जो हम पढ़ते हैं generally, और हमें नहीं पता होता where we use, how we use, when we use, what to use even. तो इसमें जो verb form है, तो what do you mean by the verb form? Form of the verb क्या होता है? A verb form is a way in which a verb is shaped or modified in order to suit the context that speaks about an action that is performed at a specific time. Verb की जो form है, जो form of the verb है, वो क्या है? वो एक तरीका है, एक way है, जिसमें एक verb जो है, वो shape कर रहा है या वो modify दे रहा है. मतलब modify means उसको mold कर रहा है, उसको amend कर रहा है, उसमें कोई changes कर रहा है, उसको change कर रहा है, उसको shape दे रहा है in order to suit कि वो उस context को, वो उस context को जो बोला गया है उसपे वो सूटेबल है या नहीं, उस पर वो सूट करता है या नहीं. अबाउट एन एक्शन दैट इज परफॉर्म, एक स्पेसिफिक टाइम में, एक कुछ टाइम ड्यूरेशन में वो वर्ड जो है वो उस पर सूट हो रहा है कि नहीं. वो करने की जो काम करने की क्रिया है दैट इज वर्ब. सो वो जो बोल रहा है वो एक्शन उस पर परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं स्पेसिफिक टाइम के लिए. द फाइव वर्ब फॉर्म्स इन इंग्लिश आर रूट वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स? देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. फर्स्ट जो आपकी रूट कॉज होती है, जो आपका मेन वर्ब होता है, वी कैन ऑल्सो से द मेन वर्ब, जिस वर्ब का, जिस वर्ड का हम चेंज करते हैं, दैट इज मेन वर्ब. थर्ड पर्सन ले लो, वो सिंगुलर पर्सन ले लो, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल ले लो, सिंपल पास्ट ले लो एंड पास्ट पार्टिसिपल ले लो. दीज आर ऑल्सो इंक्लूड इन योर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. हमने ये सब पढ़े हैं, हमने ये सब देखे हैं, बट हम सब यहीं तक रह जाते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म, बट देयर आर टोटल फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. तो आज हम वो फाइव फॉर्म्स तक पढ़ेंगे. फर्स्ट फॉर्म जो आपकी प्रेजेंट फॉर्म है, रूट फॉर्म जो होती है वर्ब की, दैट इज सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपकी सेकेंड फॉर्म रह गई एंड दिस इज फर्स्ट फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इंक्लूड्स इन थर्ड फॉर्म. थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन जो है प्रेजेंट फॉर्म में बता रहा है, थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, वो प्रेजेंट फॉर्म में आपको बता रहा है, दैट इंक्लूड्स इन योर फोर्थ फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की जो फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म में आ गई,
that includes in your fifth form of the verb. Come to the next. Here you can see the list of some form of the verbs. From A to Z, we are providing, I am here to provide you some main verbs so that you can learn, you can understand and you can make the other form of the verb according to it. So present form jo hai, first form of the verb hai, jo aapki main verb hai, jo ye word same rehte hain without any change. Second form of the verb jo aapki past form of the verb aati hai, jo humne already read out ki hai. Third form of the verb jo aapki past participle mein aati hai. Fourth form of the verb includes in your ing form. So these all are included in your forms of the verbs. These are the four verbs which I am here providing you to learn. Gain, gain, gain and gaining. Gain करना क्या होता है? Gain भी एक verb है. हम कोई चीज को हासिल करते हैं, कोई चीज को पाते हैं. That is G-A-I-N, gain. हम उसको second और third form में ed लगा देते हैं. And now the fourth form, that is your ing form, it includes in ing. ये आपकी gerund form भी हो जाती है. You can also call this is a gerund form. And what is the fifth form of the verb? जो आपकी verb की fifth form है, और you can say third form, or you can say the fifth form of the verb. So what is your fifth form of the verb? जो आपकी फिफ्थ फॉर्म है वर्ब की, वो आपकी आ जाती है टू बी फॉर्म. टू बी फॉर्म में क्या होता है? यू कैन ऑल्सो लिसन इट वेरी केयरफुली. इन योर टू बी फॉर्म ना, व्हाट यू आर टू बी फॉर्म में, आपको जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो रिमेन सेम रहती है, और वो क्या हो जाती है उसके आगे आके वो सेम रह के उसके आगे सिर्फ और सिर्फ टू और बी कंटिन्यू हो जाता है. जैसे कि टू गेन, टू बी गेन, ये हो जाता है और चेंज नहीं होता है किसी भी फॉर्म में वर्ब. तो टू गेन हो जाता है. ग्रांट, ग्रांटेड, 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 आई एन जी एड कर दिया जाएगा. कूल, कूल्ड, कूल्ड, कूलिंग, वी ऑलवेज यूज कूल, वी ऑलवेज यूज कूलिंग, बट वी डू नॉट यूज cool. So you can also use cool in your past form or past participle form, that is it includes in your third form and second form. Because second form or third form kab kaam aati hai, as we know about has, have and had. In has, have, had, we always put third form of the verb. Verb ki jo third form hai wahi include hogi has, have, had के साथ में. We do not use in second form, first form, fourth form, fifth form. We always use with has, have, had or only third form of the verb. So next, believe, believed, believed, believe, believed, believe and believing. कई बार ऐसा होता है जो third form है second form से different होती है. Definitely वो different होती है. Next, यहाँ पर तो डी मिसिंग है. ओके, अब यहाँ पर आ जाता है टू बिलीव. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, टू ब्रिंग. एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायरिंग, टू एडमायर. फेल, 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 फेलिंग एंड टू बी फेल. कम टू द नेक्स्ट. हियर यू कैन सी break, broke, broken, breaking and to break. Done. Act, acted, acted, acting, to act. Agree, agreed, agreed, agreeing, to agree. Amaze, amazed, amazed, amazing, to amaze. Amuse, amused, amused, amusing and to amuse. Appear, appeared, appeared, appearing, to appear. Arrive, arrived, arrived, arriving, to arrive. Ask, asked, asked, asking, to ask. Behave, behaved, behaved, behaving, to behave.
borrow, borrowed, borrowed, borrowing, to borrow. Next is blame, blamed, blamed, blaming, to blame. Belong, किसी चीज पे हम जब belong करते हैं, belonging का कब use होता है, मैं साथ के साथ आपको इसमें बताती जाऊं थोड़ा सा. We always use belong word related with prepositions. जो prepositions होते हैं उनमें हम belongings का use करते हैं. Preposition मतलब वो position बताते हैं, वो बताते हैं हमें कि हम किस तरीके से belonging कर रहे हैं, हम कहाँ belong कर रहे हैं, वो हमें ये चीज बताते हैं. तो belong word वहां से लिया है, belonged, belonged, belonging and to belong. Believe, believed, ये repeat हुआ है, believed, believing. Call, called, called, calling. Cool, cooled, cooled, cooling. Carry, carried, carried, carrying and to carry. अब हमने ये चीज पढ़ी है, if we, what do you mean by vowels? Vowels क्या होते हैं? अगर आप यहां देखें, vowels क्या होते हैं? क्या होते हैं vowels? A, E, I, O and U are called vowels. What do you mean by consonants? B, C, D, E already included, A already included, we have left. G, H, J, I already included. K, L, M, N, O included, P, Q, R, S, T, U has already been done, V, W, X, Y and the last one is Z. तो consonants में वो included होता है जो आपके vowels में नहीं आते. और vowels में क्या आता है? जो A, E, I, O, U होते हैं ये आपके vowels होते हैं. ये हम include करते हैं vowels में. Consonants ये जो V, C, D, F, G, H ये हैं. अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहती थी, in singular form मतलब जब आप singular plural करते हैं, और वी कैन से जब आप नंबर्स पढ़ते हैं इन इंग्लिश, दीज आर ऑल्सो नोन एज नाउंस, नंबर्स. जब आप ये पढ़ते हैं तो आप इसमें क्या करते हैं, जैसे कि कैरी है उसको आप प्लूरल बनाते हैं, कैरीज. ऐसा क्यों करते हैं? मैरी है, मैरीज. ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि रूल है, जब इन केस y आ रहा है इन द एंड और y से पहले जब कॉन्सोनेंट आता है, मतलब y इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कॉन्सोनेंट, बट बिफोर y इफ कॉन्सोनेंट इज कमिंग ना, देन वी हैव टू यूज, we have to remove y and we have to add i e s. What we add? I e s. Add in those verbs or in those sentences or in those words. So to make the plural form or to make the past form. इधर आप देख सकते हैं, इधर ही मैंने आपको बताया है इस चीज के बारे में. Here it is. तो यहां पर आया था कैरी, दैट्स व्हाई आई गो थ्रू द वर्ड कैरी. और आईईडी का मैंने आपको यूज करना बताया कि जब वो वावल, जब वो वाई से बिफोर वाई कॉन्सोनेंट वर्ड इज देयर, कॉन्सोनेंट वर्ड इज रिप्रेजेंट, सो वी हैव टू रिमूव वाई एंड वी हैव टू एड आईई. अब वो प्लूरल बना रहे हैं, देन वी हैव टू पुट आईईएस. If we are making, if we are doing the form of the verbs and we are making, we are converting second form or third form to to the next form, then we have to remove y and add ied. So carry, carried, carried, carrying and to get. Cause, caused, caused, causing. To cause. Clear, cleared, cleared, clearing. To clear.
क्लाइंब 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 क्लाइंबिंग टू क्लाइंब enjoy enjoyed enjoyed enjoying to enjoy because do not forget it about the fifth form of the verb jo main aapko bata rahi hu yahan pe jaise ki yahan par tha to enjoy to aap yahan dekh sakte hain enjoy बिकॉज आफ्टर टू बी फॉर्म जो आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है उसके बाद में रूट कॉज जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है वही आएगी दिस इज कंपल्सरी टू ऑल कम टू द नेक्स्ट एक्सप्लेन 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 एक्सप्लेनिंग एंड टू एक्सप्लेन हंट हंटेड हंटेड हंटिंग टू हंट इग्नोर इग्नोर्ड इग्नोर्ड इग्नोरिंग टू इग्नोर फाइट इंप्रूव फॉट इंप्रूव बिकॉज फाइट का क्या हो जाता है फॉट हो जाता है और इंप्रूव के आगे जी एड ऑन हो जाता है इंप्रूव फॉट इंप्रूव फाइटिंग इंप्रूविंग एंड टू फाइट इंप्रूव इंप्रेस इंप्रेस्ड इंप्रेस्ड इंप्रेसिंग एंड टू इंप्रेस इनवाइट इनवाइटेड इनवाइटेड इनवाइटिंग टू इनवाइट जॉग 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 जॉगिंग टू जॉग jump jump jumping to jump here you can see the next other words join 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 joining and to join knock knocked knocked knocking to knock kisi ka darwaza khatkhatane ko jump karne ko jumping karne ko these are all included in your verbs next is last lasted lasted lasting and to last jo ki aapke to be form label labeled labeled labeling to label ab idhar aap dekhe when in the end of the sentence consonant agar aa raha hai theek hai sentence word ke end me wala word jo letter jo hai agar wo consonant hai aur uske pehle wala vowel hai आपको यहीं पे कंटिन्यू कर देती हूं मैं वर्ब के जो वर्ब्स वर्ड है ना उसके एंड वाला फॉर एग्जांपल अभी लेबल ही आया था एंड वाला वर्ड लेटर जो है अगर वो कॉन्सोनेंट है इफ इंक्लूड्स इन कॉन्सोनेंट व्हाट एवर द वर्ड इज बट end of the word if it includes in consonant and before the consonant there it comes vowel I'm not talking about here sound I'm not teaching you articles I'm just talking about the vowel word letter or consonant letter so last wala jo letter hai agar wo consonant hai aur uske before bhi agar vowel aa raha hai so what you have to add in your plural in your sorry in your second form or third form तो हम क्या करेंगे ये जो लास्ट वाला है ना कई बार स्टूडेंट और आस्किंग कि मैम ये डबल एल कैसे हो गया तो आई मस्ट से कि वो डबल एल इसलिए हो जाता है इट इज अ ग्रामर रूल विच इंक्लूड्स इन योर विच कम्स इन योर फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड जनरली एंड इतनी ही चीज हमें सिखा दी जाती है और हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि इफ last letter of the word comes in consonant form and before the consonant is there any vowel so agar usme koi vowel laga hua hai to last wala consonant word jo hai wo double put ho jayega aur uske aage ed add on ho jayega to ye aapka dhyan rakhne wali baat hai aur aap isko fir kya kar sakte ho label label labeled kar sakte ho then doing must labeling idhar aap dekhenge double l aa gaya labeling mein इधर आप देखेंगे लेबलिंग में डबल एल आ गया है और डबल एल आने के बाद क्या हुआ है यहां पे डबल एल पुट करने के बाद में टू थोड़ा सा जूम इन जूम आउट की प्रॉब्लम हो रही है यहां पे आई मस्ट टेल यू टू
लेबल, ये आपका क्या होगा, टू लेबल होगा. नेक्स्ट लर्न, 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 लर्निंग एंड टू लर्न. हियर आई मस्ट टेल यू अबाउट द लर्न, द अदर फॉर्म ऑफ द लर्न इज टी. हियर आप टी भी पुट कर सकते हैं, लर्न की स्पेलिंग में टी आने लग गया, लर्न हो गया. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेकर दिखाऊं आपको, तो एक ड्रीम है वर्ड, इसमें भी ड्रीम हो गया. ठीक है, यू कैन यूज दिस वर्ड ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट इज लाइव, लिव, लिव, लिविंग, टू लिव, लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग, टू लुक, लव, 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 लविंग, टू लव, mark, marked, mark, marking, to mark, match, matched, matched, matching and to match, move, moved, moved, moving, to move, notice, noticed, noticed, noticing, to notice. So students, here I must tell you about the other new forms so that you can use. आप आपके कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, तो आई विल बी बैक विद द सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एडिंग, बाय यूजिंग रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स ऑफ द फॉर्म. द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आई विल बी बैक विद दिस पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, सो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू ऑल. सो गो एज सून एज इट पॉसिबल एंड लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. थैंक यू.